नमस्कार, सीआईबी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रमजान अली, मैं इस समय बेंगलुरु में हूँ और बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा खास प्रोग्राम है। यहाँ पे हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है कर्नाटक में शिक्षा से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं बताऊंगा आपको, और हमारे साथ जो इतने सारे मेहमान बैठे हुए हैं बहुत काबिल लोग हैं, और इन लोगों ने जो है बहुत पहले से ही मेहनत कर रखा है, लेकिन मैं पहले से शायद नहीं था, लेकिन अब मैं हूँ सीआईबी इंडिया न्यूज बेंगलोर में। और हमारे बेंगलोर के जितने भी दर्शक हैं सीआईबी इंडिया न्यूज के, सबसे पहले सबको मैं मेरे तरफ से आदाम सलाम नमस्ते करना चाहूँगा। और मैं इस समय बेंगलुरु में हूँ, जो खास जगह है बेंगलुरु में नीलसदरा, और यहाँ नीलसदरा में हूँ, और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं कर्नाटका जो है फेडरेशन एजुकेशन के संबंधित, उन लोगों से मैं मिलाना चाहूँगा आपको कि इस चीज़ को इन लोगों ने किस तरह से कितने सालों में बनाया है, कितना मेहनत लगा है, और बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ इन लोगों ने जो एजुकेशन और शिक्षा को आगे बढ़ाया है, क्योंकि देश में आज शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ भी। क्योंकि अब मैं अभी कई स्कूलों में कई कॉलेजों में गया, वहाँ जाके देखा कि कुछ लोग कुछ बच्चे बहुत इंटरेस्ट से हमारी बातों को सुन रहे थे, और कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि नहीं मुझे तो पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ और करना है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बेंगलुरु में सबसे आगे, जिसे कहता है फूलों की नगरी या ग्रीन वैली कहा जाता है, तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, और सबसे पहले आप अपना तारुफ बताइए, आपका नाम क्या है और कितने सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है और किस संबंधित बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ अहमद है, मैं चेयरमैन फॉर कर्नाटका माइनॉरिटीज़ फेडरेशन और ग्रीन वेलफेयर ट्रस्ट मिलकर ये प्रोग्राम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन वेलफेयर ट्रस्ट से तो पिछले 18 सालों से ये कंटिन्यूस प्रोग्राम चल रहा है। अभी ये कर्नाटका माइनॉरिटीज़ फेडरेशन के अम्ब्रेला में नए सिर से फिर पहले साल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए पूरा काउंसलिंग चल रहा है, हर हफ्ते के स्टूडेंट्स के लिए और मेरिट स्टूडेंट्स के लिए, फोकस करना कैसा चाहिए, क्या सब्जेक्ट में फोकस करना चाहिए, कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, और उनके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उन कन्फ्यूजन्स को पूरे दूर करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यूज़फुल रहेगा ये प्रोग्राम, आइंदा भी ऐसा और हर साल होता ही रहेगा प्रोग्राम इंशाल्लाह। इसके बाद में और भी प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम मेमोरी कंस्ट्रक्शन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह का भी प्रोग्राम करें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई विश के सब ये इस प्रोग्राम को हिस्सा लेकर इसका बेनिफिट उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी देखिए कि जहाँ आज जो है देश के अंदर में कई तरह की राजनीतिक है, कई तरह के नेता हैं और कई तरह के लोग हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो शिक्षा को महत्व देते हैं, और जहाँ शिक्षा की बात करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पॉलिटिकल में राजनीतिक में जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन मैं इस समय बेंगलुरु में हूँ, और मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि फिर एक बार मैं बताना चाहता हूँ हमारे दर्शक को, हमारे जितने भी सीआईबी इंडिया न्यूज़ के जो काम करने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पे बेंगलुरु में मैं कई महीनों से सुना था, लेकिन आज मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है आज शिक्षा की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, और जगह जगह ये लोग प्रोग्राम भी करते हैं, और इन प्रोग्रामों के जरिए देश तक पूरे जनता जो हमारी जो भारत सरकार है उस तक ये मैसेज पहुँचे, माननीय प्रधानमंत्री तक ये मैसेज पहुँचे, जो एजुकेशन शिक्षा मंत्री है उन तक ये मैसेज पहुँचे कि बेंगलुरु जो है सबसे आगे है, आज भी है, और यहाँ के बच्चे लगन से और मेहनत से पढ़ते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मैं जोड़ना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे मोबाइल से प्रभावित होते हैं, पढ़ाई में खलल पहुँचता है, ये भी मुझे जानकारी मिली है कि कुछ बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल यूज करते हैं, उससे जो है उसका मार्क कम आ जाता है, परसेंटेज कम आ जाता है। तो मैं और भी आपसे मिलाऊंगा, और बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे मिलाना चाहूँगा। सर आपका तारुफ? जी मैं आदिल रहमान जी, मेंबर मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन, मेंबर ग्रीन वेलफेयर ट्रस्ट एंड पार्ट ऑफ कर्नाटका माइनॉरिटी फेडरेशन, माइनॉरिटीज फेडरेशन। हम लोग बच्चों की एजुकेशन के सिलसिले में हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ टॉपर्स हो गए, टॉपर्स के बाद भी जो भी बच्चे मान लीजिए सेकेंड लेवल में जो भी बच्चे हैं उनकी हैंड होल्डिंग नहीं हो पाती है, नॉर्मली पीपल विल टेक ओनली क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देन रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फॉर लेफ्ट ऑन देयर ओन। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई ये बच्चों को मेंटर्स दिया जाए, ये बच्चे अपने करियर के सिलसिले में मेंटर्स को लें, मेंटर्स की एक टीम होगी। ये बच्चे तकरीबन 60-70 बच्चे हमारे पास में हैं, इनको गर्ल्स के लिए लेडी मेंटर्स हैं और बॉयज़ के लिए जेंट्स बॉयज़ हैं, ये पूरे प्रोफेशनल्स हैं, दे आर ट्रेंड मेंटर्स, दे विल गाइड देम थ्रू फ्रॉम आज से लेकर के लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग इनकी होगी, और इनके करियर के सिलसिले में पूरी इनकी मदद होगी, और इनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हमारा हाथ होगा। ये हमारा पर्पज़ ही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये हमारा, यहाँ हमारा पर्पज़ ही यही है कि हम बच्चों की एजुकेशन के ऊपर में बड़े लेवल पर काम करें, टू द
मैक्सिमम एक्सटेंट इनकी करियर तक की इनकी जो है हैंड होल्डिंग हो जाए और गाइडेंस हो जाए। कितने सालों से करते हैं आप? ये हमारा पहला साल है, अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग, स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस रहा है एज एन इंडिविजुअल, नाउ वी हैव फॉर्मड अ ट्रस्ट एंड वी वांट टू डू अंडर अ बैनर विद डेडिकेटेड पीपल। वी हैव वेरी डेडिकेटेड टीम हमारे पास में। हाँ, हमारे जी जी ग्रीन वेलफेयर ट्रस्ट जो है ना 18 साल से कर रही है। वो इंडिविजुअल लेवल में था, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल थे, डेडिकेटेड थे लोग, बट नाउ वी आर वर्किंग विद यू नो कर्नाटका माइनॉरिटीज फेडरेशन विच इज़ गोइंग टू सपोर्ट अनकंडीशनली सपोर्ट अस इन ए लॉन्गर रन। तो ये जो है शिक्षा से संबंधित बातें हैं, अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा, और सारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि कर्नाटक में जो है सबसे पहले शिक्षा जो है बहुत ज़रूरत है आज बच्चों को, और बच्चे जो हैं माशाल्लाह अच्छा पढ़ते भी हैं। और हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं उनसे, सर आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद रियाज, प्रेसिडेंट फॉर दिस कर्नाटका माइनॉरिटीज फेडरेशन। ये जैसा जब भाई साहब वाज आस्किंग टाइम एंड अगेन एज टू होम सिंस हाउ मेनी इयर्स यू ऑल आर फंक्शनिंग, लेट मी मेक थिंग्स वेरी क्लियर। वी हैड डिफरेंट ऑफ शूट्स, बहुत से सारे इदारे थे, फॉर एग्जाम्पल मामोर वेलफेयर ट्रस्ट, देन माइनॉरिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट, ऑल दिस ट्रस्ट वे देर। देन वी थॉट द आइडियोलॉजी, वाई नॉट वी कम टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म लाइक अवर ब्रदर सेट अबाउट ग्रीन। This is all the ideology is same, but we were in a different offshoots. So we thought it is high time then we'll all settle together, come on an uncommon platform and synchronize our intentions as to how do we uplift the community, especially the upcoming generation. Upcoming generation, especially those hai jo students hai, jo background, family halat, the monetary background, the economical status, the social status, they are deprived by so many other status causes. तो उसको हाउ टू ओवरकम बोलो, इट इज़ नॉट एन जॉब विच कैन बी डन ओवरनाइट, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। वेन वी वर इन ए डिफरेंट ट्रस्ट इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन हॉस्पिटल इन द स्लम्स हियर, द बिगेस्ट सेकंड बिगेस्ट स्लम इन होल ऑफ बैंगलोर सिटी, उधर 7 lakh एंड नॉट पेशेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। वहाँ क्या करना है हमारे को, असर के अजान से लेकर रात के साढ़े ईशा के बाद तक फ्री मेडिसिन, फ्री डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम माई फ्रेंड सर्कल, वी हैव फिजिशियंस, वी हैव कार्डियोलॉजिस्ट, वी हैव डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ऑल वेरियस ब्रांचेस, दे कम स्पेंड अबाउट एन आर एंड टू, वो लोग पेशेंट्स को देखते हैं। हम उसमें जात कौम कुछ भी नहीं देखते, एवरीबडी इज़ वन, वी वॉन्ट अल्लाह के सब के अल्लाह के इंसान आकर अल्लाह के देन हो, अल्लाह का क्रिएशन है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी गिव कंसिडरेशन थिंकिंग दैट नो कास्ट नो क्रीड, लेट अस ऑल बी कॉमन। Now the second most important part here is our community is very badly deprived of education, deprived of employment, deprived of social causes, are so many in a series. So hum samjhe, why not we all joined hands, so brothers all here, we came in a common platform, we had an ideology, we started off. So for example the other day we had about 450 mashallah jazakallah jalla alhamdulillah, they all came forward to donate blood free of cost. Now what is the contention behind here is ब्लड को ब्लड बैंक में रखने का, इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड एक्सीजेंसीज वो ब्लड उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाने का, सो दैट द पेशेंट्स किथ एंड किन, दे डोंट रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, देर आर सो मनी हु डोंट हैव मनी, हु डोंट हैव फाइनेंशियल स्टेटस, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गेट्स दिस थिंग डन, वी आर ओनली अ टूल इन बिटवीन। नंबर टू, द अदर डे वी हैड अ ड्राइव फॉर स्पेक्स के लिए, हुज आईज वेर ऑल डिफेक्टिव, हुज आईज हैड was warranted for some magnified numbers, so alhamdulillah that also was another beautiful thing taken up. Apart from that, we had also got certificates, 2B certificates to all poor children. There we considered, we were so happy to see a Christian lady, a widow masab, she had that trust on us, she came to us, our all brothers said we will first give her because she is a guest to us. So Beva masab had 2 kids, so she was finding it difficult to get a 2B certificate. Allah got it done, we got it done, she was also happy. So the message here is hum sab milkar, hum sab bhai hamare milkar, we want to synchronize things which were all haphazard way. So you know, the haphazard way we have synchronized it, brought into a common platform, and we are stressing more on education and employment, considering this as priority. Then apart from that, there are so many BPL card, baad mein wo kya physical disabled card, these are all in our agenda. In the past, for the past 20 years we have been doing it, and inshallah Allah pak hamare ko khud taqat de aur kudrati se Allah taala hamare ko zehen de ke is kamon se aur successful grand success karne ke liye ye irada kar rahe hain. So alhamdulillah, should anybody have any sort of queries, you are most welcome. In a nutshell I've told you, both brief mein bol raha hu main, inshallah in the days to come you will see there will be human progress. Aaj ke dekho, for a best example, ye hamare brothers itna beautiful suggestion kare log, alhamdulillah I say hats off to them.
क्या कर रहे हो लोग, दे सेड टुडे इज क्रिश्चियन का चर्च मास डे है, तो मास इज ऑन संडे फॉर देम, हाई मास, वन इन द मॉर्निंग सेशन, सेकंड इन द सेकंड सेशन ऑफ द मॉर्निंग एट 9, थर्ड इज एट 11 नाउ, सो वी थॉट वी विल ऑल गो देयर. बिशप ऑफ द होल डायोसिस, बिशप और रेवरेंट बिशप आए थे, द फादर्स वर देयर, दे वर इमेंसली प्लीज्ड, इंक्लूडिंग जो माँ बहन जो थे वहाँ, जो भाई थे वो क्रिश्चियन के, जो उनके इबादत के लिए आए थे, दे आर ऑल वेरी मूड. हमें क्या बोले, कोई करा है गलती, ट्रू, इट मस्ट बी फ्रॉम आवर कम्युनिटी और समबडी, वी आर नॉट बॉदर्ड, अल्लाह डजंट एनकरेज अस. एक चुमटी को मारने को अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे को हक नहीं दिया, तो इंसान मारने का हक हमारे को क्या है. बट अनफॉर्चुनेटली द फीडबैक व्हाट वी गेट इज पीपल जनरलाइज द एलिगेशन, क्या बोलते हैं, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट. सो प्लीज टेक इट आउट फ्रॉम योर माइंड. Every community has got bad elements, not that only Muslim, all, but alhamdulillah majority of them are God fearing, majority of them are dedicated, sincere. So we are from the majority class, we dedicate ourselves, we do good justice to the needy irrespective of caste and creed. Like how I told you in this world, the past what we have done, we have not considered caste. It comes to education, financial status, yeah, because there are government schemes exclusively for minorities, Christians, Jains, Muslims and Sikhs. So why not we explore? We are there to explore. No, if you don't explore, the whole fund is refunded back and some misuse is done by some touts in between. ये नहीं होना बोल को हम इतने इरादे से करें. आज वो चर्च में गए जब, the bishop was so happy. He expressed his solidarity with us. He said, hats off to you. The credit goes to our youngsters. Hats off to this brother. They Allah put into their mind. We were all there. Alhamdulillah, it was a very grand success. Inshallah, in the days of to come, in the course of time, we will prove our mettle. We will show to it, to the society, that we can do something. Jazakallah, jazakhair. I pray to whosoever are viewing this, please have get motivated. Please start up from the root level, at least in your locality. Don't go to think and say, oh, somebody has done it. No, somebody. Everybody has to do it. कल खयामत में इसका भी पूछे हमारे को. सो लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स एंड डू इट. नो कास्ट, नो क्रीड, लेट अस ऑल बी वन. जज़ाकअल्लाह, जज़ाकअर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़. जी, इनका कहना है कि हमारे बच्चे बहुत आज जो है डीपली पीछे जा चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चे बहुत पीछे जा चुके हैं. और अभी जो मैं थोड़ी देर पहले देखा कि ये लोग, बहुत सारे लोग थे चर्च में वहाँ पे, और श्रीलंका में जो हमला हुआ है उसके जवाब में ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता. और ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम टेररिस्ट है. तो मैं यहाँ पे अभी ये बात भी सुना कि कह रहे हैं कि भाई आप किसी जाति या धर्म को ये कहकर ये नहीं कर सकते कि मुसलमान ही टेररिस्ट है. क्योंकि मैंने अभी खुद देखा कि ये लोग चर्च में गए और बहुत सारे वहाँ लोग थे, अनगिनत लोग थे, मैंने देखा, महिलाएँ थी, लड़के थे, बच्चे थे, जवान थे, सारे लोग थे. लेकिन इन लोगों ने जाके कहा कि हम मुस्लिम टेररिस्ट नहीं हो सकता, आप किसी को इस तरह से नाम देकर बदनाम नहीं कर सकते हैं. तो हम जानते हैं और हमारे कुछ खास मेहमान हैं. जी, दो शब्द कहें. मैं ग्रीन वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में जो हमने बताया, जी, ना, ग्रीन वेलफेयर ट्रस्ट और अपना माइनॉरिटी कर्नाटका माइनॉरिटीज फेडरेशन, हम जो है अंडर द बैनर ऑफ ग्रीन वेलफेयर ट्रस्ट, वी वांट टू स्टार्ट ए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सून. यहीं पर जो है हम वो काम करना चाह रहे हैं. हमारा 1 लाख चिल्ड्रन को स्किल करने का प्रोग्राम है. एजुकेशन इज समथिंग एल्स, बट वेयर एज स्किल इज वेरी मच रिक्वायर्ड. हम स्किल के ऊपर भी काम करना चाह रहे हैं. अनखरीब उसके बारे में भी आपको हम इत्तला करेंगे, उसका ऐलान होने वाला है अनखरीब. और स्किल के सिलसिले में हमारे जो एक्सपर्ट हैं और ये गवर्नमेंट ग्रांट्स के बारे में, हाशिम साहब एक दो मिनट बात करना. जी, हमें हाशिम साहब से मिलना चाहूँगा आपको. दो शब्द हाशिम साहब भी कहेंगे इसके बारे में. अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स. एस ब्रदर आदिल भाई वाज टेलिंग अबाउट द स्किल डेवलपमेंट, बैक इन तमिलनाडु वी आर सपोर्टिंग इन वेलू डिस्ट्रिक्ट द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, हाउ दे कैन गेट इन टू द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. As you know, as you all should be knowing, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is one of the schemes which is not fully utilized by the minorities. Apart from KMDZ in Karnataka has a separate development Karnataka Minorities Development Corporation is also having separate schemes. Unfortunately, our people are not organized. On the hindsight, today what we are trying to do is, we are uniting the people, working with them, team building, and then taking them forward for proper skilling. So, that's the prime agenda. Alhamdulillah, this is one of the initiatives here in Neelsandra where we are working with Green Welfare Association as well as the Karnataka Minorities Trust. So it's a federation basically we are working. And I appeal to all Muslim brethren as well as non-Muslim brethren, irrespective of caste creed, please ensure that your youngsters are being skilled up so that they have a bright career
फॉर डेज अहेड। थैंक। गरीब बच्चों के लिए क्या सुविधा है? गरीब बच्चों के लिए अब बोलूँगा कि जो बच्चे बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए खासकर गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, गवर्नमेंट की तरफ से, नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आपको टेलरिंग से लेके, बिल्डर से लेके, फिटर से लेके, ब्यूटिशियन से लेके, चाहे वो महिला के लिए हो या लड़कों के लिए हो, मुकम्मल तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स अवेलेबल हैं, खासकर स्किल के लिए। और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने लिया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कि स्किल करने के बाद जॉब में भी लगना है आपको। ये बात गौर से सुने, हमारी सरकार इस पर काफ़ी अच्छा मेहनत की है कि पढ़ाने के बाद उनको जॉब भी मिले, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाएं, ये जिम्मेदारी पढ़ाने वाली इंस्टीट्यूशन पर है कि उनको जॉब मिल जाए। तो मैं हर एक से अपील करूंगा कि आप इस तरह के संस्थाओं से जुड़ें, आकर बात करें और जो सुविधाएं इनके पास हैं उसकर उपलब्ध करें। आपके संस्था में अगर जुड़ना हो या आना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नहीं, अब सीधी सीधी बात है, आप हम लोग यहाँ पे नीलसंद्रा में काम कर रहे हैं, बमन हल्ली में काम कर रहे हैं, इसी तरह ये आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ये आपके लिए स्टार्ट करने के लिए ये पॉइंट है। फ्यूचर में हम लोग अलग अलग लोकेशंस में करेंगे, जैसे आरटी नगर है, आरटी नगर में भी हम करेंगे। आपको सीधा आना चाहिए, यहाँ के ट्रस्ट के मेंबर्स हैं जैसे शब्बीर साहब हैं, रशीद भाई हैं, आदिल साहब हैं, इनसे मिलें और अपना नाम दर्ज कराएँ और आगे आपके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको एक स्किल कोर्स पे, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, आपको जोड़ दिया जाएगा, फिर जॉब के लिए भी गाइड किया जाएगा। जी, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि इन लोगों की जो कोशिश है वो बहुत बहुत बड़ी कोशिश है और मैं इस समय बेंगलुरु में हूँ और इसमें जो है चाहे अमीर के बच्चे हो, गरीब बच्चे हो, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसमें। इसमें सरकार की जो योजना है उसमें भी उपलब्ध कराया गया है और मोदी जी का कहीं ना कहीं एक योजना है जो बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद शिक्षा देना, फिर उसके बाद जो है उसकी सरकारी या नौकरी मुहैया कराना, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। मैं रमजान अली, CIB इंडिया न्यूज़ के साथ, नमस्कार। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।